अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। तो भैया स्फेयर बना लिया हमने, एक स्फेयर में क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। चलो देखते हैं और क्या लिखे। इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। अब मैंने क्या बोला था ना, कई बार लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी कि ये क्या दे दिया है। अब बताओ क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये किसकी यूनिट हो रही है, ये वॉल्यूम है, ये टाइम है, इसका ये dV/dt दे रखा है। लो मिल गया कितना है 900 दे रखा है। तो ऐसे समझ में आ जाता है। फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ वैल्यू इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस 15। रेडियस 15 है, किस रेट से क्या हो रहा है, रेडियस रेट बताना है, रेडियस का रेट बताना है, किस रेट से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। रेडियस तो ये बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर फॉर्मूला पता तो हो जाएगा क्या फॉर्मूला, 4/3 πr³ होता है वॉल्यूम का। यहाँ लगा दिया मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये dV/dt लिखा है, इक्वल टू क्या है 900 है। 4/3 π कॉन्स्टेंट में बाहर कर दो, 4/3 π मैंने बाहर कर दिया, अब मुझे डिफरेंशिएशन किसका करना है, आर क्यूब का, 900 बराबर में है तो 4/3 π आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² होगा, फिर आर का भी करना पड़ेगा तो dr/dt आएगा इक्वल टू 900। 3 से 3 कट गया, 4π आर स्क्वायर, आर की वैल्यू दे रखी देखो 15, तो 15 का स्क्वायर dr/dt इक्वल टू 900, तो 4π 15 का स्क्वायर 225 होता है, dr/dt इक्वल टू 900, तो dr/ अच्छा ये कितना आ जाएगा, 225 का अगर 4 में मल्टीप्लाई करें तो ये 452 में हुआ 900 ही आएगा, तो 900π dr/dt इक्वल टू 900। तो ये तो कट गया, 1 बचा, यानी तो dr/dt क्या आ गया, 1/π आ गया, और किस इसकी यूनिट क्या होगी, r यानी सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आंसर क्या आएगा 1/π, क्या आ रहा है इसका आंसर, इसका आंसर आ रहा होगा 1/π सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही आंसर आया समझ में। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया, नोट कर लो, बस आपको फॉर्मूला लगा के डिफ्रेंशिएट कर देना है।